हेलो फ्रेंड्स, राम राम, ओम नमः शिवाय। पितृ दोष के लक्षण। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं और पितृ दोष की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवार में क्या प्रभाव पड़ता है इसका, उसके बारे में जानेंगे। तो गाइज, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पितृ दोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। पितृ दोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि पितृ दोष जो होता है उसके क्या क्या लक्षण हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृ दोष है या नहीं है। पितृ दोष के लक्षण क्या हैं? परिवार में सदस्य का अस्वस्थ रहना, यानी कि इलाज कराने के बावजूद भी अगर परिवार में ऐसा ही कोई सदस्य परिवार का बीमार रहता है तो हो सकता है वो पितृ दोष का कारण हो और उसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहता है। दूसरा है बार बार दुर्घटना का शिकार होना। पितृ दोष के कारण व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है, साथ ही उसके जीवन में होने वाले सभी मांगलिक कार्यों में किसी न किसी कारण से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है परिवार में किसी सदस्य का अविवाहित रहना। परिवार में यदि किसी सदस्य का विवाह नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है पितृ की नाराजगी हो इसमें, यानी कि इसमें पितृ की नाराजगी को दर्शाता है कि परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो विवाह योग्य है लेकिन विवाह नहीं हो रही है। इसके अलावा परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह होने के बाद भी तलाक हो जाने या किसी कारण से अलग होने पर भी पितृ दोष हो सकता है। नेक्स्ट है संतान सुख ना मिलना। पितृ दोष के अशुभ प्रभावों से संतान सुख में भी बाधा आती है। यदि संतान हो भी जाए तो वह मंदबुद्धि, विकलांग या चरित्रहीन होती है। नेक्स्ट है परिवार में कलह या क्लेश होना। धन संपत्ति से परिपूर्ण होने के बावजूद भी यदि अगर परिवार में एकता नहीं है, अशांति का माहौल बना हुआ है तो कहीं ना कहीं पितृ दोष के लक्षण हो सकते हैं। पितृ दोष होने से घर परिवार में हमेशा ही कलह या क्लेश की स्थिति बनी रहती है, जिससे व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है। तो गाइस, ये तो मैंने आपको बताया कि पितृ दोष कैसे आप पहचान सकते हैं। हो सकता हो ये सारे जो लक्षण मैंने बताए हैं कहीं ना कहीं पितृ दोष के लक्षण हो सकते हैं, पितृ दोष की वजह से हो सकते हैं। तो आप अपने कुंडली को एक बार जरूर दिखा लीजिएगा या परिवार में सभी की कुंडलियों को एक बार चेक करा लीजिएगा और अगर पितृ दोष है तो उसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको कुछ उपाय भी बता देती हूँ कि अगर आपको पितृ दोष है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय ये है कि पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के दिन ब्राह्मण भोज कराएं और श्रद्धापूर्वक दान दें। दूसरा उपाय है संध्या के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं। यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो पितृ पक्ष के दौरान जरूर जलाएं। तीसरा है पितृ दोष का प्रभाव कम करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाएं और प्रतिदिन स्मरण करें। इससे पूर्वजों की नाराजगी कम होती है और पितृ दोष का प्रभाव भी कम होने लगता है। चौथा है कुंडली में यदि पितृ दोष है तो इसके लिए किसी कुंवारी कन्या का विवाह कराएं। यदि विवाह नहीं करवा सकते हैं तो किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करें। तो आप अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं पितृ दोष आपका कम हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपको पितृ दोष कम करना है तो आपके जो घर में बड़े बूढ़े हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और उनका कहना भी माने। कहीं ना कहीं हम अगर अपने बड़ों का कहना मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, यानी कि हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं, तो हमारे पूर्वज लोग भी हैं वो भी हमसे खुश रहते हैं, तो वो दोष भी ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। आपको और भी कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।